जगदीशपुर प्रखंड में 19 प्रखंड में होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के जनसंपर्क अभियान में तेजी आ गई है। उसी कड़ी में आज शुक्रवार सुबह 10 बजे सैकड़ों के समर्थक के साथ बसौना पंचायत से पैक्स पद के उम्मीदवार अमित कुमार यादव जनसंपर्क अभियान चलाते नजर आए, जहां मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं और कहा कि 1985 से ही यह पद हमारे परिवार के बीच रहा है, क्योंकि हम लोग किसानों के हित में कार्य करते हैं, पंचायत का प्रतिनिधि नहीं सेवक बनकर, और इस बार भी पंचायत की जनता मुझे अपना सेवक बनाने जा रही है, क्योंकि लोगों का अपार प्यार और स्नेह मेरे साथ है, मुझे मिल रहा है। पैक्स चुनाव को लेकर जगदीशपुर प्रखंड में 27 को मतदान और 28 नवंबर को मतगणना होगी, जिसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। 13, 14 और 16 नवंबर को पैक्स पद के लिए जगदीशपुर प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया हुई थी। R9 भारत के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। 2024 का जो पैक्स चुनाव हो रहा है, आप लोग का सिंबल मिल गया, आज से प्रचार प्रचार में लग गए, कितना चुनौती देखते हैं 2024 का पैक्स चुनाव? हमारे सामने तो कोई चुनौती नहीं है, जनता हमारे साथ है और हम जनता के साथ हैं, बाकी कौन क्या करता है उससे हमको क्या मतलब है। और रही बात 2024 के चुनाव की, तो आप लोग जनता से भी बात कर सकते हैं क्या माहौल है क्या नहीं। जो आपके प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको कैसे देखते हैं इस चुनाव में अपने आप, आपके विपक्ष में? हमारे विपक्ष में जो प्रत्याशी हैं वो आपको पता होगा कि पिछले दो बार से हार चुके हैं और जनता उनको नकार चुकी है, तो अब वो पैसे के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका कोई महत्व नहीं बनता हमारे नज़र में। 5 साल रहे, क्या क्या कार्य किए आप किसानों के लिए? किसान से पूछ सकते हैं आप, हमने जितना काम किया है बाकी पैक्स में भी आप नहीं देखने को मिलेगा। जो हमको चुनाव चिन्ह मिला है, पिछले बार भी हमारा वही चुनाव चिन्ह था, मोती का माला 1 नंबर पे, तो जनसंपर्क हमारे साथ चल रहा है और हम पूरे जनता के डोर टू डोर जा करके अपना मतपत्र का नमूना जो है दिखा रहे हैं और सबका समर्थन मिल रहा है। 2025 से ये पद आपके परिवार के पास है, क्या लंबा समय तक? अब इससे तो आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1985 से हमारे पिताजी पैक्स अध्यक्ष थे, 19 में वो रिटायर हुए तो हम जनता के बीच आए और आज तक कोई प्रत्याशी हमारे विपक्ष में नहीं आया। जो लोग हारते जा रहे हैं फिर भी अपना टांगड़ाए रह रहे हैं, जनता जवाब देगी। जीत क्लियर इस बार अभी? अब ये तो जनता बताएगी, आप लोग जनता से बात कर लीजिएगा, जनता हमारे साथ है और जनता हमको साथ देगी तो हम उनके साथ खड़ा उतरेंगे। अमित कुमार, पैक्स प्रत्याशी अध्यक्ष अमित कुमार। नाइन भारत की टीम है, क्या यहाँ पर लग रहा है इस बार? इस बार माहौल एकदम ठीक है जी। पिछले बार से बम्पर वोट से हम लोग जीतेंगे जी। हम लोग देख रहे हैं आप धान का कटनी कर रहे हैं, तो किसान है तो यही ना काम होगा, हम लोग का काम चालू हो गया। काट के किसको दीजिएगा? पैक्स में देंगे। पैक्स में जी सब पैसा वैसा मिल जाता है? हाँ मिल जाता है, सरकारी रेट चलता है। मैंने हर एक बार इन्हीं को देते हैं? हाँ सारा किसान, एक तो हम ही नहीं है। अच्छा अच्छा, सभी लोग देते हैं। नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम संतोष कुमार पड़ेगा। इस बार 27 तारीख को बम्पर वोट से जीत होगी। कौन सा गाँव है ये? ये महुरे है जी। ठीक, बसौना पंचायत के हैं और इस बार हम लोग अमित जी के ही समर्थन में हैं और समर्थन में बराबर लगे रहते हैं और बहुत कुछ काम किए हैं। किसान हैं आप? हाँ हम लोग किसान हैं। धान उन अच्छा से खरीदारी खरीद लेते हैं? हाँ हर जगह इनका कोई शिकायत नहीं है, धान का धान लिए हैं हर जगह और जनता के सेवा में रहते हैं किसान के। तो अमित जी हर किसान के खाद बीजन जो भी किसान के मूल उपयोग होला उपस्थित करावे नहीं और अच्छा खाद के कोनो दिक्कत ना होला, काम से दम संतुष्ट बने, काम से हमने को संतुष्ट बने जा फिर इनके के ले आवे के बा। का नाम होते बोलिए? हमार मनीष कुमार यादव, गांव माहुरा है। चुनाव के हवा तो अमित भाई के बा। अमित भाई? हाँ हाँ। मेन चीज ये बा कि उनकर व्यवहार जो बा बहुत बढ़िया बा, आ समय से किसान के धान उठाना, समय से किसान के सब कुछ जौन भी लाभ किसान के आवेला समय से सब तक पहुँचाना, आ बहुत बढ़िया आदमी है, लोग बहुत संबंध हुनकर हर एक आदमी से बहुत बेहतर संबंध बा। नमी उमी के काटेलन ना? ना 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 बिल्कुल एकदम जौन भी बा करेक्ट काम करेलन एकदम बिल्कुल। वोटर बानी कि उनकर समर्थक बानी? एकदम वोटर भी बानी समर्थक भी बानी सब बानी एकदम बाबू तहे दिल से एकदम बिल्कुल।
बदलाव के मूल में नहीं किया? बिल्कुल ना, बिल्कुल ना, एकदम ना। क्या नाम आपका पड़े? पवन सिंह यादव। अमिते रहे हैं। हाँ, हाँ, अच्छा से बीज मिल जाला? हाँ, बीज मिल जाला। धान बाहरों रहला तो उठा के ले जालन, समय पर पैसा दे दलन। यानी उनकर कार्य से वो संतुष्ट? ठीक बानी। हाँ, यानी अब की बार के लगा था, के जीतता वो है? यानी हाँ, उनके ज्यादा परसेंट। कौन पंचायत से अमित जी बना? मैं थी बसावना। कौन पंचायत के वोटर? बसावना। क्या नाम पड़ी? सत्यनारायण। सत्यनारायण। हाँ, गाँव मीठा। ठीक क्या बा, हवा में कोनो दिक्कत नहीं था? 27 तारीख के मतदान होके पैक्स के किसान बने जी जी, खेती बहुत कठिनाई से होके ला, अनाज के उपज उपज मिल जाला पैक्स में लेवल लो। हाँ हाँ, एकदम घर घर से जाला। यानी कि परिवर्तन करे के मूड में नहीं थी? परिवर्तन कौन चीज का परिवर्तन? का लगता अमित जी अच्छा काम? अमित जी तो हरदम कैले बने आ करी है, अमित जी रही है। अमित जी के दनी दुगो कार्य बताई जो बढ़िया कार्य कैलो का है? समय पर खाद दे दिले, जेकरा मन करता रिटेल भाव पर दे ले, धान के खरीदारी से समय से धान ले ले, समय से पैसा दे दिले, कौन चीज के तो दिक्कत नहीं है बुझात? विरोधी लोग कहता कि विरोधी के जाति देखे, दू गो आदमी रही तो विरोधी तो शिकायत करबे न करी, विपक्ष से शिकायत करी, लेकिन शिकायत कैले में कुछ बा ना। अमित जीती हैं। क्या नाम पड़ी? हमारा अखिलेश कुमार सिंह। गाँव ये मीठा हो? प्रचार शुरू हो गई, 27 तारीख के रौरा पंचायत में, सोना पंचायत में, मतलब अमित जो पहले रह काम अच्छा करे लोन। हाँ तो अच्छा ना कर तो बाबू, तो यानी अब की बार उनके जिताओ। हाँ, का नाम पड़ी? राहुल राजबलन। कहाँ के रहे? मीठा। हाँ,